हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियो के अंदर स्मूथ स्लो मोशन कैसे डाल सकते हो जैसा कि गाइज अभी के टाइम पे आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के अंदर देखा होगा काफी सारे लोग अपनी वीडियो को जो है ना एकदम स्मूथ तरीके से स्लो मोशन करते हैं जिससे उनकी जो वीडियो है काफी ज्यादा यूनिक एंड प्रोफेशनल लगती है तो अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप से स्मूथ स्लो मोशन अपनी वीडियो को करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपनी एंड्रॉइड फोन की वीडियो को एकदम स्मूथ तरीके से स्लो मोशन कर सकते हो तो वीडियो को गाइज एंड तक देखना इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलने वाला है एंड अगर

अगर गाइज आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा वहां से गाइज जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना तो ये एप्लीकेशन जैसे ये गाइज ओपन होगा ना तो आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा सिंपल से गाइज आप लोगों को यहां पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और जैसे ही गाइज यहाँ पर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपकी गैलरी में आपकी जितनी भी वीडियो होंगी ना वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी तो यहां पर से गाइज आप लोगों को एक वीडियो अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप लोग स्लो मोशन एड करना चाहते हो तो वो भी स्मूद वाला ठीक है तो एग्जांपल के लिए गाइस मैंने एक वीडियो को इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था ठीक है इस वीडियो में एग्जांपल बताऊंगा और ऐसा नहीं है कि ये एकदम नॉर्मल वीडियो है ठीक है कोई भी इसमें स्लो मोशन वगैरह पहले से ऐड नहीं है अभी मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हो ठीक है कोई भी मतलब स्लो मोशन वगैरह ऐड नहीं है नॉर्मल सी वीडियो है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो ठीक है कोई भी स्लो मोशन नहीं है बिल्कुल नॉर्मल है वीडियो यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो इसी वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को स्लो मोशन ऐड करके अभी मैं दिखाऊंगा ठीक है तो स्लो मोशन ऐड करने के लिए सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना होगा कि अपने वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना होगा एंड जैसे गाइज आप लोग वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करते हो सिंपल से इधर की तरफ आ जाना ठीक है और इधर की तरफ आओगे ना गाइज आप लोगों को इधर ना साइड में यहां पर देख सकते हो सेकंड नंबर में ही स्पीड का एक ऑप्शन दिखेगा ठीक है तो स्पीड पे क्लिक कर देना और जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग स्पीड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पर दो ऑप्शन कर, तो तो जैसे, तो जैसे अगर आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों की स्मूद एंड फास्ट कर देगा मतलब स्लो एंड फास्ट कर देगा ठीक है अपने आप ठीक है यहाँ पर देख सकते हो बने बने चीज मिल जाएंगे आप लोगों को कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है बस आप लोगों को मतलब एक तरह का मान लो प्रीसेड ही है समझ लो ठीक है जैसे कि यहां पर देखना कुछ इस तरीके से स्पीड है फिर स्लो है फिर स्पीड है ठीक है पर देख सकते हो काफी सारे हैं ठीक है थीके? इन यहां से अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर लेना ठीक है अगर आप लोगों की वीडियो में इन सब की जरूरत है तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहां से आप लोग करना क्योंकि यार आप लोग अपने सॉन्ग के हिसाब से ना स्लो मोशन ऐड करोगे तो यहां से करोगे तो कैसे चलेगा ठीक है तो अब गाइज मान लो अगर आप लोगों को यही कव वाले टूल से अगर आप लोगों को मैनुअली करना है तो मैन्युअली करने के लिए आप लोगों को कस्टम पे क्लिक करना होगा एंड एडिट पे फिर से क्लिक कर देना तो अब गाइज यहां पर देखना अगर आप लोग इसको ऊपर करते हो तो आपका ना ये जो वीडियो है वो एकदम स्पीड हो जाएगा यहाँ पर देख सकते गया यहाँ पर, ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं इग्नोर करते है, हम रिसेट करते हैं अगर आप लोग चाहो तो यहां से भी कर सकते हो जैसे एक समझ लो ऊपर ले जाओगे तो फास्ट होगा एंड इसको नीचे लाओगे तो स्लो हो जाएगा ठीक है तो यहां से आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ यहाँ से मैं कुछ नहीं करना चाहता सिंपल चाह। से यहाँ से ओके okay कर दूंगा ठीक है अब गाइज मैं बताता हूँ आप, आप, आप लोगों को कि आप लोगों को स्मूथ स्लो मोशन कैसे डालना है अभी तक तो मैं बता दी कि कैसे कैसे आप लोग अपनी वीडियोज के अंदर स्लो मोशन ऐड कर सकते हो कितने सारे तरीके हैं ठीक है अब मैं बताता हूँ कि स्मूथ स्लो मोशन कैसे डाल सकते हो ठीक है तो इसके लिए गाइज आप लोगों को नॉर्मल पे क्लिक करना होगा अब नॉर्मल पे जैसे क्लिक करते हो तो गाइज अगर आप लोग इसको पूरा इधर की तरफ करोगे ना तो ये आपका एकदम स्पीड हो जाएगा ठीक है बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा मतलब अगर आप अपनी वीडियो को वीडियो के अंदर स्पीड वाला मोशन डालना चाहते हो तो सिंपल से इसको बढ़ा देना कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर देखना वीडियो के अंदर ये कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया ठीक है कुछ इस तरीके से स्पीड हो जाएगा और ज़्यादा स्पीड करना चाहते हो तो और बढ़ा देना है यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है तो स्पीड करना चाहते हो तो गाइज आप लोगों को इसको आगे बढ़ा देना है ठीक है अब अगर अगर आप लोगों को एकदम स्मूद वाला स्लो मोशन ऐड करना है तो अभी तो देख लो गाइज यहाँ पर वीडियो पहले देख लो नॉर्मल सी वीडियो है कुछ भी अभी इसमें मैंने नहीं किया है ठीक है अब आप लोगों को स्मूथ ऐड करने के लिए सिंपल से यहां पर ये जो दिख रहा है ना इसको पूरा आगे लेके नहीं जाना है आप लोगों को ठीक है मतलब यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि जीरो पॉइंट फाइव एक्स तक ही रखना तो अब यहां पर देखना कितना अच्छे तरीके से स्मूथ स्लो मोशन हो गया होगा हमारा वीडियो यहां पर देख सकते हो एकदम स्मूद तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से ठीक है अगर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा ठीक है और ज्यादा स्लो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल भी वीडियो नहीं अटक रही है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ठीक है बिल्कुल भी वीडियो नहीं अटक रही है एकदम अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर स्मूथ करके बता रहा हूँ ठीक है अगर आप लोग इसको पूरा कर दोगे ना मतलब पूरा स्मूथ कर दोगे मतलब पूरा एकदम स्लो मोशन कर दोगे तो आपका यहाँ पर देखना वीडियो जो है वो अटक अटक के चलेगी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो इसको आप लोग पूरा मत करना ठीक है जीरो तक भी कर सकते हो जीरो तक वन तक भी कर सकते हो वन में देखते हैं फंसता है, है कि नहीं तो यहाँ भी फंस ही रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा गाइज आप लोगों को जीरो तक ही रखना तो यहाँ पर भी देख सकते हो जीरो में भी अच्छी तरीके से स्मूथ स्लो मोशन यहाँ पर देख रहे हो देखने को मिल रहा है ठीक है और एकदम हाइपर वाला डालना चाहते हो तो इसको पूरा कर देना तो एकदम हाइपर वाला स्लो मोशन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो इसी तरीके से करना है तो मैं इसको ज्यादा नहीं रखूंगा इसको मैं रख दूंगा अराउंड जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास ठीक है क्योंकि मुझे इतना ही नॉर्मल सा एकदम स्मूथ स्लो मोशन चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डन एंड इसको यहाँ से कर देता हूँ बैक अब गाइज हमारी वीडियो जो है ना उसके अंदर एकदम स्मूथ वाला स्लो मोशन लग चुका है सो तो अगर अभी मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो एकदम स्मूथ तरीके से स्लो मोशन जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हो ठीक है बहुत ही ज़्यादा स्मूद लग रहा है कोई भी ना वीडियो लैग हो रही है ना कुछ हो रही है यहां पर देख सकते हो ठीक है तो इसी इसी मेथड से आप लोग भी कर सकते हो अपनी वीडियो को स्मूथ ठीक है इसी मेथड से ठीक है ना तो थोड़ा लैंग्वेज पे मत जाना ठीक है क्या होता है कभी कभी वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं ठीक है थीके? तो उसको इग्नोर करना तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी वीडियो के अंदर स्लो मोशन ऐड कर सकते हो अब मान लो सब कुछ कंप्लीट हो गया अब आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो इस एरो पे क्लिक करना और ये जो वीडियो है ना इस आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चैनल पर ना हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस टाटा बाय बाय